अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी में टिक्की ग्रेवी के साथ 10 मिनट में कुकर में आलू बैंगन का सालन रेसिपी को शेयर करेंगे। ये आलू बैंगन का सालन बहुत मज़े का लगता है। इसे खिचड़ी के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, पुलाव के साथ, जिसके साथ भी बनाए खाइए, ज़बरदस्त कॉम्बो रहेगा। इस आलू बैंगन सालन फटाफट से बनाने के लिए हमने कुकर को लिया है और इसके अंदर हम तेल डाल लेंगे बड़े चम्मच से, और बड़ी प्याज को एक लंबी कट करके डाल लिया है। इस प्याज को हम पिंकिश ब्राउन कलर आने तक भून लेते हैं, यानी लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए। देखिए हमारे प्याज लाइट ब्राउन कलर आने के बाद इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल लेते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट कच्ची बात जाने तक भून लेना है। इस अदरक लहसुन पेस्ट भूनते वक्त ही हम 2 हरी मिर्च को कट करके डाल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भून लेके इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मसाले को ऐड करते हैं। थोड़े मसाले से ही इस सालन टेस्ट बनेगा। और इसके अंदर हम 1 चम्मच धनिया पाउडर को ऐड करेंगे और इस सारे मसालों को तेल में भून लेते हैं। ऐसे भून लेने से अच्छा कलर आ जाएगा सालन में। देखिए हमने भून लिया है और इसके अंदर हम 1 चम्मच से 4 चम्मच तक ड्राई कोकोनट पाउडर को डाल लेते हैं। इस पाउडर को भी हम तेल में भून लेते हैं थोड़ी देर, 1/2 मिनट भून लेना है। और इसको भून लेने के बाद हम 1/2 गिलास तक पानी को ऐड करेंगे इसमें, और मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को खोपरे पेस्ट में। 2 मिनट तक पका लेंगे तेल ऊपर आने तक सरफेस पे। देखिए अब सरफेस में तेल आ गया है। 2 मिनट पकने के बाद इसके अंदर हम कसूरी मेथी को भी ऐड करते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेंगे हम, मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ही डाल लीजिए ये सालन में कसूरी मेथी, और डालने के बाद हम कट करे हुए बैंगन आलू को डाल लेते हैं। हमने 2 मीडियम साइज आलू को और 4 बड़े साइज बैंगन को लिया है, और इस बैंगन आलू को डाल के मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह इन मसालों में। और इसके अंदर हम 4 मीडियम साइज टमाटर को भी बारीक कट करके डाल लिया है। इस टमाटर को लाल लेना है, और इस टमाटर को भी मसालों में अच्छी तरह मिक्स कर लेते के हम इसके अंदर 1/2 लीटर पानी को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका पानी का थिकनेस, यहाँ पे कितना थिकनेस रहेगा वही आलू बैंगन गलने के बाद रहेगा। अब यहाँ चेक करके डाल लीजिए पानी को, और डाल लेके हम लीड रख के हाई टू लो फ्लेम में आलू बैंगन को गला लेंगे। देखिए 10 मिनट में आलू बैंगन सालन रेडी हो गया है, फटाफट से बन जाएगा ये सालन। और आखिर में हम लो फ्लेम रख के इस तरह से चमचे से थोड़ा सा हल्के हाथ से मिला लेते हैं, तब ये सारे टमाटे और बैंगन स्मैश हो गए, थिक बन जाएगा ग्रेवी। और हल्के हाथ से मिलाना है पूरी तरह, बैंगन को स्मैश करना नहीं है। देखिए वो टेस्टी टेस्टी थिक ग्रेवी वाली आलू बैंगन का सालन रेडी हो गया है। वो ये सालन जवारी की रोटी के साथ, चपाती के साथ, फुलके के साथ, पूरी के साथ, पुलाव के साथ, खिचड़ी के साथ लिया जाता है। हमारे यहाँ ये सालन को खिचड़ी के साथ ही ज़्यादा खाया जाता है। इस आलू बैंगन का सालन ईजी से फटाफट बन जाता है, और इसका थिकनेस भी दिखाते हैं ग्रेवी का। आप देख सकते हैं इस ग्रेवी का थिकनेस। हमारे रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ 1 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर टू द रेसिपी। थैंक यू वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।